नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही YouTube से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। नगर पालिका के बजट सम्मेलन में आज भाजपा नेता संतोष पंजाबी के अवैध अतिक्रमण का मामला जमकर गूंजा। सम्मेलन के शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्षद मोनू लोक्स व योगेश प्रजापति सहित कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका प्रभारी सीएमओ व नपाध्यक्ष से इस मामले पर जवाब मांगा कि आखिर क्यों भाजपा नेता संतोष पंजाबी का शासकीय भूमि पर बना अवैध दुकान निर्माण हटाया नहीं जा रहा, जिस पर नगर पालिका सीएमओ व नपाध्यक्ष जवाब देते नहीं बने। आप भी देखिए क्या हुआ आज बजट सम्मेलन में। अपन कितनी बार मैंने लेटर लिख दिया, कितनी बार मैंने कलेक्टर शिकायत करी, भारत जरूरी जब क्यों पेनल्टी की वसूल है, ये चीज का जवाब नहीं। मैं जानकारी नहीं, तो आप बैठे क्यों यहाँ पे सीएमओ की कुर्सी पर? आपको जानकारी नहीं है शहर में कुछ जानकारी, आपको जानकारी की नहीं है। पार्षद पहुंचे गए हैं, इनके नाला जहाँ में आप एचओ है और नाले की जानकारी नहीं, आपको जानकारी है जिस बात की, बताओ ना। आपको जानकारी का अभाव तो नहीं आना चाहिए मीटिंग में। आपको शेयर के जवाबदार हो, बेचो ठीक है ना, हेल्थ ऑफिसर, आपको जानकारी नहीं, बैठे क्यों यहाँ पे? परसों उसकी जवाब की है इसको, इस मामले में। और मेरी बात सुनो, शासन से लेटर आया है ये राजा सचमेरा के कार्रवाई करने के, ये लेटर आया हुआ आपके पास 11-10 को एक, ये सीएमओ साहब को बता रखे, और 16-6-12 को आया है, इसका जवाब आज तक इसमें लिख रहा है कार्रवाई करके। मेरी बात सुनो, आप पहले मेरी बात सुन लो, इस पर मुख्य नगर पालिका आया और प्राप्ति भी आपकी, उसकी पत्नी भी मेरे पास गई है, इसे 5-6 लेटर है कि राजेश अजमेरा पे ऊपर कार्रवाई करनी है। अपन कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? आप इन चीजों का सबके मेरी बात सुनो, परसों जवाब दिए हैं, वो परसों आप नहीं हो, आपके सीएमओ साहब हो या अध्यक्ष मोदी के सामने करा, मीडिया सामने नहीं हो तो बिना जानकारी आना, पर मीटिंग चलने नहीं देंगे हम, ध्यान रखना। हाँ, विरोध हो गया, मीटिंग चलने नहीं देंगे, पूरे आवाज ज्ञान पूरा होना चाहिए तुम्हारे को, मीटिंग में हो सारे कागज लेके आया करो, यहाँ सारे लेटर लेके आना, कल मैं दे दूंगा आपको, कितने लेटर के क्या क्या लाना पड़ूंगा। गुमटी का क्या, पूरे शहर में गुमटी होने लगी हुई है क्या? बस स्टैंड के अंदर 50 दिन 50 दिन 50 दिन ये तो ये जनता की बात है।
उनकी किराए से चला रहा है, उनकी पूरी जांच करवा के और उनकी गुमटी हटवाई ले देके गुमटी उनके अरे वो गरीबों का तो सोचो उनको ले लगे कांग्रेस जी है वो उनके बताओ किस बताओ।